नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा, अपने सहयोगी तरुण मदान के साथ। लॉकडाउन की अवधि चल रही है, सारा प्रशासनिक अमला लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटा हुआ है। प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और सफाई कर्मचारी दिन रात सड़कों पर तैनात हैं। लॉकडाउन की उल्लंघना ना हो, इसके लिए हवाई आग का सहारा भी लिया जा रहा है। इन सबका मकसद एक ही है कि हमें कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है। और कोरोना को हराने और भगाने के लिए सबसे सफल उपाय केवल और केवल लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन का यह है मतलब कि लोग अपने घरों में रहें। जरूरी चीजों के लिए करनाल प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों को निर्धारित समय के लिए खोलने की अनुमति भी दी जा रही है। उसी अवधि के दौरान ही वह नियमों की पालना करते हुए अपनी दुकानें खोल सकते हैं और सामान को बेच भी सकते हैं। लेकिन करनाल में जिस तरह से व्यापारी वर्ग सभी नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को धत्ता बता रहे हैं, वह बेहद ही शर्मनाक है। यदि करनाल में कोरोना बीमारी अगर पैर पसारती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर होगी जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि समाचार एक्सप्रेस की टीम ने वीरवार की सुबह 4:30 से लेकर 7:30 तक गुड मंडी और सदर बाजार का दौरा किया। इस दौरान जो हमें देखने को मिला वह हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं। यही नजारा केवल अकेली गुड मंडी का है। लॉकडाउन की अवधि में बाकी बाजार अल सुबह कैसे खुलते हैं और कैसे सामान की बिक्री होती है, यह भी समाचार एक्सप्रेस की टीम आपको लगातार दिखाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के कारण प्रशासन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों पर पलीता लगाया जा रहा है। यानी प्रशासन डाल है तो लोग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, वो पात है। अब हम आपको आगे की सारी जानकारियां बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं तरुण मदान, वो आपके साथ आगे की जानकारियां साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगी। अल सुबह समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करीब 3 घंटे तक करनाल के एक गुड़ मंडी और सदर बाजार एरिया का दौरा किया। इन 3 घंटों के दौरान जो हमने देखा और जो हमने अपने कैमरे में कैद किया वो हम आपको अभी दिखाएंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की थी। शुरुआत हमने की थी सुबह 5:13 से। 5:13 जबकि पूरी गुड़ मंडी को बैरिकेड किया हुआ है बांस की लकड़ियों से, उसे बंद किया हुआ है, लेकिन वहां पर आवाजाही शुरू थी। माहौल ऐसा लग रहा था कि लोग पार्कों के अंदर सैर कर रहे हों। सुबह का इस वक्त था 5:13, वहां एक चाय की दुकान खुली थी। चाय की दुकान से हमने चाय की मांग की तो उसने कहा इंतज़ार कीजिए, 2 कप चाय आपको भी मिल भी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सुबह चाय की दुकान के खोलने की अनुमति आखिर क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई, और अगर वो दुकान खुली तो किसके लिए खुली थी। मसलन इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं कि वहाँ पर लोगों का आना जाना था, तभी उस दुकानदार की, उस चाय वाले की दुकानदारी चल रही है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे सरके, समय था उस समय 5:24 का। हमने फिर गुड़ मंडी के अंदर लोगों का हजूम देखा, जो लोग सामान खरीदने के लिए आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। कुछ मच्छरदानी खरीदने के लिए लोग आ रहे थे तो कुछ इशारों में जहाँ से वो सामान बिक रहा है उन रास्तों की ओर भी इशारा कर रहे थे। तो हमारी टीम फिर थोड़ा सा आगे की ओर चली। आपको ये भी बता दूं कि इस कोरोना वायरस के चलते सरकार ने 1 साल के लिए तंबाकू जैसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगा रखा है। पान, गुटखा, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन अगर आपको खरीदना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी, आपकी उस दुकान से जानकारी होनी चाहिए। हाँ, मिल जरूर जाएगा, इतना समाचार एक्सप्रेस की टीम आपको वादा करती है कि वो मिल जरूर जाएगा। लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो सरासर इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद हम चले आगे। समय हुआ 5:34, हम अभी फिलहाल गुड़ मंडी में ही थे। उस समय हमने जो ये देखा कि होलसेल की जो दुकानें थी वहाँ, वो दुकानें का शटर खुल चुका था। दुकानों के बाहर रेडियो की कतार लगी थी जिस पर सामान उतारा जा रहा था, जिस पर से सामान उतारा जा रहा था और जिस पर सामान लादा भी जा रहा था, वो सब आपको वीडियो के माध्यम से लगातार आप दिखाएंगे। इसके बाद हम चले आगे। समय हुआ था 5:49 पर।
उस दौरान भी गुड़ मंडी के अंदर सामान का आना जाना और लोगों का आना जाना बिल्कुल जारी था। हमें एक कार दिखाई दी, कार थी वैगनार। कार में से एक व्यक्ति उतरता है, वो एक गली के अंदर जाता है, वो एक अपने कंधे पर एक बड़ा सा पैकेट लोड करके आता है, कार की सीट पर रखता है और उसके साथ एक और सज्जन आते हैं, वो दोनों कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं। मसलन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन का भी प्राय आखिर का है तो है क्या? क्यों ये लोग नहीं समझ पा रहे कि कोरोना कोई जात पात, कोरोना को व्यापार वर्ग को, कोरोना किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं आती। कोरोना अगर पैर पसारती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया आपको, कि संपूर्ण जिम्मेवारी ऐसे लोगों पर होगी जो लॉकडाउन की उल्लंघना कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर अपनी दुकानें उस समय खोलते हैं जब सारा प्रशासनिक अमला दिन रात की अपनी थकान के बाद थोड़े से समय के लिए, उसे हम यह कह सकते हैं कि चाहे वो घर में फ्रेश होने के लिए जाएं, चाहे वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए घरों में हैं या थोड़ा साइड पर हैं, तो जैसे ही पुलिस की आंखें बंद होती हैं तो इनकी आंखें शुरू हो जाती हैं और सुबह ही दुकानों को शटर खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, समय हुआ 5:58 पर दुकानों, इस दौरान गुड़ मंडी में कुछ दुकानों के ताले खुलने शुरू हो चुके हैं, शटर खुलने की आवाज़ें भी आने लगती हैं। हमें देखकर कुछ दुकानदारों ने ताले तो खोले लेकिन वो दुकानदार दुकानों के बाहर ही बैठ गए कि मानो वो कुछ भी लेने ना आए हों। लेकिन जो दो लोग बैठे थे वो भी ना तो उन्होंने किसी सोशल डिस्टेंस की पालना की, ना उन्होंने मास्क लगा रखा था। वो सिर्फ, उनकी निगाह सिर्फ हमारे तक थी कि आखिर ये लोग कर तो कर क्या रहे हैं। इसके बाद का जो भी वाक्य था, इसके बाद हमारी टीम कैसे और कहां पहुंची, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगी मेरे सहयोगी नेहा वर्मा। मैं इनसे कहूंगा कि आपको आगे की जानकारी दें कि समाचार एक्सप्रेस की टीम कैसे, कब और कहां पहुंची और क्या उन्हें देखने को मिला। इसके बाद हमारा जो टाइम था वो था 6:14 पे। 6:14 पे हमारी टीम पहुंची गुड़ मंडी में। गुड़ मंडी में जहां हमें देखने को मिला कि ई रिक्शा जा रही थी काफी सारी, और ई रिक्शा के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जो लोग मौजूद हैं उनके मुंह पर मास्क नहीं है और वो सामान का ढेर लेके जा रहे हैं काफी सारे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद वहां पर एक कपड़े की दुकान भी खुली हुई है जो कि सफाई कर रहा है। वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कपड़े की दुकान पे वह सफाई कर रहा है। कपड़े की दुकान खोलने की परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई, फिर भी ये लोग कपड़े की दुकान खोल रहे हैं और प्रशासन के नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं और प्रशासन के सरेआम उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को जैसे कि उनको देखा, उनका टाइम नोट करा, उनकी रेकी करी कि किस टाइम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं होता, किस टाइम वह अपना काम कर सकते हैं। उसी वक्त पर उन्होंने जाकर सभी अपनी दुकानें खोलते हैं, सामान लोड करते हैं और सामान को मंडी से, जो उनको जिनकी परमिशन नहीं है वो काम वह कर रहे हैं, जिसकी सरासर उल्लंघना है। उसके बाद हमारी टीम पहुंची 6:29 पर, जहां पर दुकान के आधे आधे शटर खुले हुए थे। दुकान के आधे शटर खुले होने का मतलब कि जो सामान लेने आए वह आधे शटर के नीचे से सामान ले सकते थे। जहां से आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, एक आदमी आता है दुकान की शटर के नीचे से और चूहेदानी की मांग करता है और चूहेदानी लेकर चला जाता है। उसको चूहेदानी दी जाती है। क्या इनको परमिशन है चूहेदानी के लिए, इनकी दुकान खोलने के लिए? नहीं। उसके बाद घंटासर चौक के पास, जो कि वहां पर रामा हेडवियर की एक दुकान है, वो दुकान खुलती है और एक कार खड़ी होती है, उस दुकान से सामान को लोड किया जाता है और गाड़ी में उस सामान को लोड करके ले जाया जा सकता है। अभी प्रशासन ने जो दुकानों की अनुमति दी है, वो प्रशासन ने अनुमति दी है केवल और केवल जरूरी सामानों की, जिससे कि हम इस कोरोना महामारी की चैन को और आगे ना बढ़ा सके। लेकिन ये लोग हैं जो कि हार्डवेयर की दुकान खोल रहे हैं और अपना सामान को लोड करके घर ले जा रहे हैं या उनको आगे सप्लाई कर रहे हैं, ये तो वो ही जानते होंगे। उसके बाद चौरसिया, उसके कुछ आगे चलते हैं तो एक आता है चौरसिया पान वाला, जो कि टॉफियों के डब्बे सप्लाई कर रहा है और उसके पास काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। उसके पास जो भीड़ देखने को मिल रही है, चौरसिया वीडियो में कहता भी दिखाई दे रहा है कि मेरे पास सिर्फ टॉफियां हैं, आप यहां पर भीड़ ना लगाइएगा। टॉफी होगी, टॉफी के अलावा कुछ नहीं, अभी हाथ जोड़ रहा हूँ, चलो भीड़ बदलो।
उसके बाद वहाँ पर जो रिक्शा में सामान लेके जा रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। जो शहर की सड़कें इनको देखकर सुबह के 4:30 से 7:30 बजे तक जो हमारी टीम ने मुआयना करा, क्या हम इसको देख के कह सकते हैं कि यह लॉकडाउन के समय का दृश्य है? इनको देख के कोई नहीं कह सकते लॉकडाउन है, रोजाना की तरह बाजार चल रहा है, खुल रहा है, सामान लोड हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, कुछ दुकानें बंद है तो कुछ खुली है, कुछ को प्रशासन का डर है और कुछ को नहीं है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा मुस्तैद है, प्रशासन को भी कुछ समय चाहिए कि वह अपने आप को अपने शरीर की थकान भुका सके, लेकिन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो प्रशासन की थोड़ी सी थकान को उनको सहयोग दे, बल्कि वो उस वक्त का इंतजार करते हैं कि वह किस वक्त अपने उस काम को पूरा कर सके। उसके बाद सदर बाजार में हमारी टीम गई, जहाँ पे सदर बाजार में काफी संख्या में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और वहां पे गर्ग फुटवेयर की शॉप है। गर्ग फुटवेयर की शॉप से फुटवेयर लोड करके जा रही थी, तभी एक महिला आती है बाहर, वो सामान लेके आती है जो कि लोड करने के लिए आगे भिजवा रही है। क्या फुटवेयर की शॉप को अलाउड है, परमिशन है? नहीं, उन्हें कोई परमिशन नहीं है, केवल खाने पीने के सामान को, सब्जी फल, सिर्फ इन्हीं सामानों को परमिशन है, मगर ये सभी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अपने काम को रूटीन में चला रहे हैं, ये सहयोग नहीं दे रहे। अगर जो कल को हमारे करनाल में, अभी तो खुदा ना खास्ता इतने केसेस नहीं आए थे, जो आए थे वो ठीक हो चुके हैं, अगर कल को खुदा ना खास्ता केस आ जाए तो इसका जिम्मेवार कल को कौन होगा? प्रशासन जो इतनी मेहनत कर रहा है, उस प्रशासन की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं ये लोग, कौन होगा इसका जिम्मेवार? केवल और केवल वही लोग जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर इस लॉकडाउन की उल्लंघना कर रही है। उसके बाद का जो वक्त होता है, उसके बाद 6:36 के वक्त, 6:36 हमारी टीम जो है पहुंचती है करण ताल के पास, ताल जहां पर एक गोदाम मौजूद है। उस गोदाम में हम एंट्री लेते हैं और पूछते हैं, हमारी टीम द्वारा उनसे पूछा गया है कि यहाँ पर गुटके की मांग की, कि क्या यहाँ पर गुटका मिलेगा? तभी जो गेट पर व्यक्ति खड़ा होता है गोदाम के, वह कहता है, सर यहाँ गुटका नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको तंबाकू मिल जाएगा। शने मिल जाएगी, शने गुटका शने नहीं, और क्या? तंबाकू बेचते हैं, खाली तंबाकू होगा सिर्फ, शने मिल जाएगी, शने गुटका शने नहीं, और क्या? गुटका नहीं मिलेगा, तंबाकू मिलेगा। तंबाकू जो कि पहले से सरकार द्वारा बैन किया गया है, वह लॉकडाउन के समय में बिक रहा है। प्रशासन की वैसे भी अवहेलना हो रही है और लॉकडाउन की भी अवहेलना हो रही है। इन लोगों को कोई शर्म हया कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ अपना रोजगार दिख रहा है, अपना काम दिख रहा है, जिससे कि लोगों को एक नशा बेच रही है। आगे की हमारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे करुण मदान सर। इसके बाद सदर बाजार का दौरा करने के बाद वक्त हो चुका था 6:47 पर, हम वापस गुड़ मंडी की तरफ मुड़ लिए और हमें वहाँ कुछ ही मिनटों में वाहन खड़े दिखाई दिए। हम हालांकि गुड़ मंडी से सदर बाजार की तरफ चले थे, तो कुछ ही मिनटों का वक्त था जो मैडम ने आपको बताया अभी। जब उन चंद मिनटों के बाद वापस गुड़ मंडी में आते तो वहाँ पर वाहनों की भारी संख्या हमें देखने को मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रोजाना की तरह यह बाजार खुल चुके हैं, यहाँ पर किसी को कोई डर नहीं है। जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनके नीचे से, आगे से, पीछे से, उनका आना जाना सुचारू रूप से जरूर था। किसी उस दृश्य को देखकर, उस वीडियो को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन की पालना हो रही थी या नहीं हो रही थी। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, बार बार एक ही बात हम आपको अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को परिता लगाया जा रहा है, वह बेहद ही शर्मनाक है। अगर कल को करनाल में कोरोना बीमारी फैलती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ऐसे लोगों के ऊपर डाल देनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने रोजगार की चिंता कर रहे हैं। जब लॉकडाउन की अवधि में पूरा बाजार बंद है, पूरा व्यापार बंद है, प्रशासन ने रियायतें दी हैं, हिदायतें दी हैं, इन सबको दरकिनार कर कर ये अपनी दुकानें खोलने पर बैठे हैं, और वो भी उस समय जो इनकी सुरक्षा में तैनात हैं कोरोना वॉरियर, जब वो चंद मिनटों के लिए अपनी आंखें इधर से उधर करते हैं तो इनकी दुकानों के ताले खुलना शुरू हो जाते हैं, शटरों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, शटर के नीचे से सामान की आवाजाही शुरू हो जाती है। और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो सरेआम सड़कों पर खड़े हैं, सामान को खरीद रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको लेने और देने में चंद मिनटों का समय लगता है।
जो 6:47 समय में आपको बता रहा हूँ, उस दौरान हमें जो देखने को मिला वहाँ पर एक दुकान के बाहर मजदूर जुटे थे जो कि सामान का लदान और उठान में कर रहे थे। उन्होंने भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क डाल रखा था। मसलन कोरोना से उन्हें कोई भी भय नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना की कोई लिमिट नहीं है। कोरोना किसी व्यक्ति विशेष को देखकर, किसी व्यक्ति समुदाय को देखकर नहीं आता। कोरोना को लेकर, कोरोना से जंग को लेकर पूरा विश्व आज लड़ रहा है। भारत भी इसमें है, करनाल भी इसमें है। करनाल प्रशासन ने जनता की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन चलाया है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की उल्लंघना हो रही है वह बेहद ही शर्मनाक है। मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा, बार बार ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो कि प्रशासन के सराहनीय कार्यों को प्रोत्साहित करने की बजाय पलीता लगा रहे हैं, वह इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि ये प्रशासन तक उनकी यह उनकी इन कार्यों की संपूर्ण जानकारी समाचार एक्सप्रेस पहुँचा चुकी है। उस समय एक हमें मनियारी की दुकान भी खुली मिली। अब सोचने वाली बात है कि अल सुबह 6:47 पर मनियारी की दुकान खोलने का वक्त क्या औचित्य था। उस समय किसको लिपस्टिक चाहिए थी, किसको बिंदी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति को सिर्फ अपनी लालच थी कि मैं दुकान खोल लेता हूँ क्योंकि पड़ोसी ने खोली है, शायद कोई ग्राहक आ जाए और मेरा सामान बिक जाए। दुकान भी खुल गई है, कोई किराने की दुकान भी खुल गई है। किराने की पीछे पीछे खुली थी, अल्लाह वंडी में आ गई दुकान पे। दुकान भी खुल गई है, कोई किराने की दुकान भी खुल गई है। किराने की पीछे पीछे खुली थी, अल्लाह वंडी में आ गई दुकान पे। ठीक, दुकान भी खुल गई है, कोई किराने की दुकान भी खुल गई है। किराने की पीछे पीछे खुली थी, अल्लाह वंडी में आ गई दुकान पे। ठीक, मैं आपको ये बता दूं कि गुड़ मंडी के अंदर होलसेल के सबसे ज़्यादा दुकानदार हैं। वहाँ पर दुकानें इसलिए खुलती हैं क्योंकि वहाँ पर थोक में सामान खरीदा और बेचा जाता है। दुकानें खोलने का उनका मकसद भी यही था कि कोई अगर एक भी ग्राहक आ गया तो उनकी दिहाड़ी बन जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे पैसे का कोई लाभ नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही पैसा काम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसके बाद एक हमें दुकान मिली, जैसे ही उनकी नज़र हम पर पड़ी उन्होंने अपनी दुकान के ताले खोले, साइडों पर ताले रखे और साइड पर होलिए। लेकिन हमारी भी टीम उन पर नज़र गड़ाई खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद जब हम उन तक पहुंचे, उन्होंने पुनः हमें देखा और पुनः साइड पर होलिए। इसके बाद समय हुआ 6:07। उस समय एक दुकान हमें खुली मिली जिसका नाम है जय भारत सरिया, जो कि बिल्कुल चौक पर है। सामान भी लोड हो रहा था। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अल सुबह इन दुकानों को खोलना पड़ गया, इन दुकानों से सामान को अंदर बाहर करना पड़ गया, जबकि प्रशासन ने जो कि ज़रूरी सामानों की दुकानें हैं उनको खोलने का समय 9 से 12 का दिया हुआ है। इस अवधि के दौरान ही वो दुकानें खोल सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं, सामान को खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी गैर जरूरी जिनकी ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन है, वो दुकानें भी आज की डेट में खुली हैं। वो वीरवार की अल सुबह हमें दिखी, खुली हुई दिखी, हम उसका क्या मतलब निकालें। इसके बाद हमने एक और दुकान देखी। मैं आपको बताऊं कि आज की रेट में जो इस तरह लॉकडाउन की अवधि में सबसे ज़्यादा अगर जो पुरुष वर्ग परेशान हो रहा है वो है सैलून, क्योंकि उनकी शेप बनाने वाला, उनकी कटिंग करने वाला कोई सैलून बाज़ार में नहीं खुला। लेकिन अगर आपका सैलून कोई खोलना देखना चाहते हैं तो आप उस बाज़ार का नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे एक सैलून की दुकान पूरी तरह से खुली है और वहाँ पर ग्राहक भी आ जा रहे हैं। मसलन कि जो सरकार ने हिदायतें दी थी उनका बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही, उनको बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही, उनकी सरासर उल्लंघना की जा रही है। मैं तरुण मदान एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस की टीम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमें कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है, करनाल को उससे निजात दिलानी है। कोरोना अभी हमारे करनाल में नहीं है, जो था वो ठीक हो चुके हैं। अब अगर कुछ फैलता है तो ऐसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं, इसका जवाब हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से समाचार एक्सप्रेस की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से समाचार एक्सप्रेस की ओर से फिर से अपील करना चाहूं कि आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, तो देश सुरक्षित रहेगा, सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो औरों की मेहनत पर भी पानी फेर रहे हैं। सरकार प्रशासन के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है सिर्फ केवल और केवल लोगों को जागरूक करने के, जो कि हमारे कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले तरुण जी ने भी वो खबर करी थी कि प्रशासन ने उनके डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिससे कि लोग जागरूक हो सके। लेकिन कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं और कुछ लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और इस तरह का शर्मनाक काम कर रहे हैं, सबकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। मेरी सभी से अपील है
कि प्रशासन के नियमों की उल्लंघना ना करें, उनका सहयोग करें, तभी हम सब स्वस्थ रह जाएंगे। हम सबको मिलके कोरोना को हराना है। केवल सबको सब मिलकर तभी हरा पाएंगे जब सभी इसमें सहयोग देंगे। मैं फिर से अपील करती हूँ कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, केवल जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर रह जाएं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।